हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाने का एक बिल्कुल नए तरीके का वड़ा, जिसको आप एक बार खा लेंगे तो इसका टेस्ट तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो आप इस वड़े को एक नहीं बल्कि दो अलग तरीके से खा सकते हैं या किसी को सर्व कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आता है, मेरे घर में तो बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। तो ये वड़ा ना सबको पसंद आने वाला हो, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो या आपके घर में कोई शुगर पेशेंट हो तो भी बहुत ही आराम से खा लेंगे, उनको नुकसान भी नहीं करेगा। तो इस वड़े को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम तक सूरन लिए हैं। आपको जितना बनाना हो आप उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम छील कर मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें सूरन को उबालना है। कुकर लेंगे और इसके अंदर हम सूरन उबालेंगे। लगभग 3 से 4 सीटी आने में ये बहुत ही अच्छे से घुल जाएगा। यहाँ पर हमने साथ में 2 बीटरूट ले लिए हैं। बीटरूट का इस वड़े में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम इसको सैलेड के लिए उबाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। इसके अंदर हम लगभग आधा ग्लास तक पानी डालेंगे और 3 से 4 सीटी आने तक उबाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप बीटरूट खाते हैं कि नहीं? अगर आप नहीं खाते तो इसे ज़रूर खाएं, ये खून तो बढ़ाता ही है, साथ में अगर आपकी आँखों की रोशनी कम हो गई है तो रोशनी भी बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कच्चा चुकंदर नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से उबाल कर इसमें नींबू नमक डाल के खा सकते हैं, या आप इसका रायता बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं चुकंदर से। तो सूरन को उबाल कर हमने अच्छी तरीके से मैश करके रख लिया है। यहाँ पर हम लेंगे 1 कप तक साबूदाना। ये भीगा हुआ साबूदाना है, इसको हमने 2 घंटे पहले भिगाया है। और इसके साथ हम लेंगे थोड़ी सी मूंगफली, ये भुनी हुई मूंगफली है, इसको हम दरदरा कूट लेंगे। तो साबूदाने को हमें सबसे पहले पीसना है। इसके लिए हमने मिक्सी का जार ले लिया है और ये साबूदाना डालते हैं इसके अंदर। इसमें पानी नहीं डालना है, इसे ड्राई ही पीसना है। अगर आपको लगता है कि साबूदाना काफ़ी ड्राई है तो आप थोड़ा सा पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसे हम दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल महीन नहीं पीसना है। तो इस तरीके से साबूदाने को हमें दरदरा पीसना है। आप देख सकते हैं थोड़े साबूदाने हमने खड़े ही छोड़ दिए हैं, इसको मतलब पीसा नहीं है। तो सारे साबूदाने हमने पीस लिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप तक बारीक कटी हुई हरी धनिया, साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच तक खड़ा जीरा, और इसके साथ हमने 1 चम्मच तक कुटी हुई लाल मिर्च ली है यानी चिली फ्लेक्स, इसको डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच तक कुटी हुई काली मिर्च। तो ये फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है, इसको आप बड़े में ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच तक चाट मसाला। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरीके का वड़ा पहले कभी बनाया है कि नहीं। तो 1 चम्मच हमने चाट मसाला डाला है, 1 बड़े चम्मच तक हम धनिया पाउडर डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच तक गर्म मसाला, और इसके साथ ही हम डाल देंगे ये मूँगफली जो हमने पहले ही भून कर इसको कूट करके रख लिया है। तो मूंगफली का टेस्ट वड़े में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसे आप स्किप मत करिएगा। अगर आपके पास मावा है यानी खोआ तो आप थोड़ा सा खोआ डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी हमारे पास मावा नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, आप देखेंगे कि वड़े का टेस्ट कई गुना ज़्यादा हो जाता है। हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच तक नमक। नमक और मिर्च आप अपनी पसंद से डालिएगा, अगर आपके पास काला नमक है तो थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर खटास के लिए हम 1 नींबू का जूस डालेंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। चलिए अब इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, और साथ में हम तेल भी गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया, हमने सरसों का तेल लिया है। आप रिफाइंड या अपने पसंद से कोई भी तेल ले सकते हैं, आप जो भी तेल खाते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम अपने बड़े तैयार कर लेंगे। आप जिस तरीके से दही बड़ा बनाते हैं या आलू वाला बड़ा बनाते हैं ना, उसी तरीके से छोटे छोटे पोर्शन लेके हम इसके बड़े बना लेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा मिश्रण ले लिया है, इसको हम गोल गोल घुमाते जाएंगे, ये लड्डू बन जाएगा। इसके बाद हम इसे हथेलियों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ये हमारे बड़े तैयार हो गए। तो इस तरीके से चपटा करने के बाद उंगलियों से हम इसमें होल कर देंगे। आप जिस तरीके से उड़द दाल वाला बड़ा बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें बड़े तैयार कर लेने हैं। तो आप इसे गोल बनाएं या चपटा बनाएं या इस तरीके से होल करके बनाएं, आपको जैसा भी पसंद हो आप बनाइएगा, ज़रूर आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, ये बड़े हम इसके अंदर डाल देते हैं, और इसको हमें बिल्कुल क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। तो एक साथ तेल में जितने बड़े आसानी से आ सके उतने ही डालिएगा, हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो पाते। इसके पहले हमारी गैस ख़त्म हो गई, यहाँ पर हमने दूसरी कढ़ाई ली है। तो अभी हमने कढ़ाई को इंडक्शन पर चढ़ा दिया है, अब हम बड़े को उलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बड़े बिल्कुल क्रिस्प और कुरकुरे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम बाहर निकाल देंगे और बाकी जो बड़े बचे हुए हैं उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरे चटपटे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इसको हम धनिया पुदीने की हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया है कि आप इस बड़े को दो तरीके से खा सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक तरीका हमने आपको दिखा दिया, आप दूसरे तरीके से बना के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका दही बड़ा खाने का मन है या आलू की टिक्की खाने का मन है तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके ऊपर हम खूब सारा दही डालेंगे। तो दही डालने के बाद हम डालेंगे धनिया पुदीने की हरी चटनी जो हमने पहले ही तैयार करके रखी है। इसके बाद हम इमली की मीठी चटनी डालेंगे। तो ये हमारे पास इमली की सौंठ वाली मीठी चटनी है जिसे आप पानी पूरी दही बड़े या आलू की टिक्की में डालते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमने मीठी चटनी डाल दी है। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा सादा नमक, काला नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी एक ही साथ में दो अलग तरीके की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें।